आई होप यू ऑल आर रियली डूइंग गुड। तो ये है हमारे केमिस्ट्री का पार्ट 3, ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 2 के लिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। यहाँ पे मैं एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अब जस्ट बिकॉज ये है आपका पार्ट 3, तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक के। आपके 10 क्वेश्चन का ये पूरा वीडियो रहने वाला है, ठीक है। उससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे कि प्लीज़ नोटबुक लेकर के बैठो, ठीक है, एंड सॉल्व करते हुए चलो, बिकॉज बाकी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द डिजोल्यूशन ऑफ द गोल्ड, यानी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिजोल्यूशन ऑफ गोल्ड के लिए आप इसमें से कौन सी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो डिजोल्यूशन की बात करूं तो डिजोल्यूशन मतलब अगर गोल्ड को डिजोल्व कर दें ऐसा चीज, तो गोल्ड आपका जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एक्वारेजिया, ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक्वारेजिया में ही जो है आपका गोल्ड वो डिजॉल्व हो सकता है। अब एक्वारेजिया क्या है तो देख लीजिए आप यहाँ पे। एक्वारेजिया एक मिक्सचर है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, कि जो कि बहुत ज़्यादा कोरोजिव इन नेचर होता है। कोरोजिव मतलब वो जो आपका गोल्ड है ना वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस सब्सटेंस है, यानी वो बहुत स्लो रिएक्टिव है, तो उसको भी वो कोरोजन करने के कैपेबल है जो है एक्वारेजिया। तो दैट्स वाई राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्वारेजिया, ओके। आंसर देख लेते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल सॉल्ट एसिड, सॉरी मिनरल एसिड, ओके। विच वन ऑफ द, तो इसमें से कौन सा है जो कि मिनरल एसिड नहीं है। तो मिनरल एसिड मतलब क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम मिनरल एसिड बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स को। तो ऑर्गेनिक एसिड इसमें से कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक है, ये तो ऑर्गेनिक नहीं है बिल्कुल भी, सल्फ्यूरिक भी ऑर्गेनिक नहीं है, नाइट्रिक भी ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक एसिड इज साइट्रिक एसिड। तो आप पहचानोगे कैसे कि कोई भी एसिड ऑर्गेनिक है कि नहीं, तो एक सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अगर वो जो एसिड है आपका जो गिवन है, ओके, अगर वो एसिड इडेबल है यानी आप उसको खा सकते हो, इडेबल है यानी कोई हमें ज़्यादा हार्मफुल नहीं है हमारे हेल्थ के लिए, फूड एज ए फूड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, देन वो होगा ऑर्गेनिक एसिड बेसिकली, ठीक है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज साइट्रिक एसिड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, इसमें से कौन सा है जो कि बेस नहीं है। अभी बेस का एक नॉर्मल सा डेफिनेशन दिया था अरेनियस ने, उनका कहना यह था कि जिसके पास में OH आयन है, OH आयन इट मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन है, तो वो जो कंपाउंड होगा वो होगा आपका बेस। बट हाइड्रोक्साइड के साथ में एक पॉजिटिव आयन का रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन के पास हाइड्रोजन आयन है तो ये बेस होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है हमारे लिए। KOH भी रॉन्ग होगा बिकॉज यहाँ पे भी KOH हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस होगा, ठीक है। तो अभी लास्ट वाला ऑप्शन रह गया है C2H5OH। तो अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें एक फंक्शनल ग्रुप आता है अल्कोहल करके, ठीक है। तो अल्कोहल की खास बात होती है कि वहाँ पे एक OH आयन जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपका अल्कोहल है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं C2H5 मतलब इथेनॉल। तो ये जो है वो एक बेस नहीं है बल्कि एक अल्कोहल है। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ओके, C2H5OH नेम एज इथेनॉल, याद रखना, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हम वन बाय वन रीड करते हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। हाँ ये बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। उन्होंने पूछा हुआ है कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, तो फिर ये हमारे लिए राइट ऑप्शन नहीं होगा। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, तो नहीं, गलत है, बिकॉज मेटल ऑक्साइड जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, मेटल ऑक्साइड का मतलब बेसिकली क्या होता है पता है, मेटल ऑक्साइड इट मीन्स होता है बेस।
तो जब बेस आपका जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का तो आपको अच्छे से मालूम है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी होगी तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है गिवन में कि सॉल्ट एंड एसिड फॉर्म होगा, तो एसिड तो नहीं फॉर्म होगा ना, यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन बी है वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट होने की वजह से हमारे ऑप्शन में परफेक्ट सूट हो रहा है। आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। सम मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। हाँ, मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन ही रिलीज होगा। सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एन एसिड। एग्जैक्टली, मेटल ऑक्साइड को मैंने बेस बोला था, तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होंगे, उनको हम बोलते हैं एसिड। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। मैच द केमिकल सब्सटेंस गिवन इन कॉलम ए विथ द अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन गिवन इन कॉलम बी। तो अभी आपको कॉलम मैच करना है, ठीक है? तो सबसे पहले वन बाय वन देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अच्छे से मालूम है ब्लीचिंग पाउडर को हम लगभग वॉशिंग सोडा की तरह पे इस्तेमाल करते हैं। बट जब भी ब्लीचिंग पाउडर से आप किसी भी कपड़े को वॉश करते हो, देन उसके कलर को जाने का चांसेस रहता है। इसके लिए बोलते हैं इसको डीकलरेशन। ओके, इसके बाद में बेकिंग सोडा जो है वो एंटा एसिड में जाएगा। अभी वॉशिंग सोडा जो है वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ ग्लास में वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, एंड सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होगा प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड Cl2 गैस। तो अभी एक बार हम वापस रिवीजन कर लेते हैं, क्या था अपना ब्लीचिंग पाउडर किसके साथ में था, डीकलरेशन के साथ में, एंड बेकिंग सोडा था किसके साथ में, एक एंटा एसिड था ये। इसके बाद में वॉशिंग सोडा का हमने मैच किया था प्रिपरेशन ऑफ ग्लास के साथ में, एंड सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया था प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड Cl2 में। तो चेक कर लेते हैं कौन सा सूटेबल ऑप्शन राइट है। ए का हो जाएगा थर्ड, तो ए के थर्ड में हमारे पास दो ऑप्शन है, बी एंड सी। फिर बी का हो जाएगा आपका फोर्थ, तो फिर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है? सी में हो जाएगा 1 एंड अगेन डी में हो जाएगा 2nd। परफेक्ट, ओके, जस्ट चेक इट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26। इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंसंट्रेशन मिक्स्ड एंड पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन चेक्ड विथ द पीएच पेपर। व्हाट वुड बी द कलर ऑब्टेंड। यू मे यूज कलर गाइड गिवन इन फिगर। तो यहाँ पे कलर गाइड के लिए फिगर दिखा हुआ है, तो वहाँ पे पीएच लिखा हुआ है ऊपर, हमें बताना है कि पीएच कौन से में बिल्कुल सुटेबल है, ठीक है? तो अभी इसको पता करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है? अभी आपको गिवन में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्वेश्चन में गिवन है कि भाई कंसेंट्रेशन भी जो होगा इनका सेम होगा। तो बेसिक सा मेथड है यहाँ पे, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट एंड वाटर हमें ऑब्टेन होगा। और आप सबको पता है ना कि सॉल्ट एंड वाटर जब भी फॉर्म होता है तो सॉल्ट का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल कंडीशन में पीएच उसका होगा 7। तो यहाँ पे 7 कलर के ऊपर कौन सा कलर दिख रहा है आपको, देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, रेड है, येलो है, येलो इज ग्रीन है, और ब्लू है। रेड तो है नहीं, वो येलो भी नहीं है, ब्लू भी नहीं है, येलो इज ग्रीन राइट लग रहा है, ठीक है? चेक कर लेते हैं ऑप्शन क्या राइट होगा। ओके, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज येलो इज ग्रीन। परफेक्ट, ओके, बिकॉज जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, दैट्स वाई। क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर। HCl को आप वाटर से पास करोगे तो कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा। ओके, ऑप्शन भी देख लेते हैं साथ में ताकि कोई दिक्कत ना हो। इट डज नॉट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन एज इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। अभी कोवेलेंट कंपाउंड है, आयोनाइज नहीं होगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज एसिड है तो H प्लस आयन रिलीज करेगा, तो फिर वो आयोनाइज तो होने वाला है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो तो बिल्कुल रॉन्ग है ना। इट आयोनाइज इन द सोल्यूशन, हाँ ये राइट होगा, बिकॉज आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अरेनियस ने कहा था आपका कि H प्लस आयन एसिड रिलीज करते हैं जब इसको हम लिक्विड सोल्यूशन में डीप करते हैं तब। इट गिवस बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द सोल्यूशन, नहीं दे सकता कि क्यों देगा, बिकॉज वो HCl है तो HCl के बाद में हाइड्रोक्सिल आयन तो आएगा ही नहीं है ना। तो बिकॉज HCl है तो इसके पास कौन सा आयन होगा, HCl के पास ओनली H प्लस आयन होगा। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया था, एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग हो गया। तो राइट है, एक लास्ट बचा है, अभी चेक कर लेते हैं।
इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विथ द वॉटर मॉलिक्यूल। ओके, वापस देख लेते हैं। हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा जब भी उसको वाटर के साथ हम कंबाइन करेंगे। तो हाइड्रोनियम आयन क्या होता है आपका पता है, H3O+। एंड जो एसिड है तो हाइड्रोनियम आयन तो बनाएगा वो भी, कुछ वो H+ आयन जनरेट करेगा और वाटर के पास ऑलरेडी H2O है। H2O एंड H+ बोथ कंबाइन विथ ईच अदर एंड दे फॉर्म हाइड्रोनियम आयन H3O+। ओके, तो आपका ऑप्शन फोर्थ जो है वो राइट होगा। तो फिर यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन से हो गए, सेकेंड एंड फोर्थ। तो देख लेते हैं सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी राइट लग रहा है, चेक कर लेते हैं ऑप्शन को। ठीक है, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स। कौन सा स्टेटमेंट जो है एसिड के लिए बिल्कुल सही रहेगा, एसिड की नॉर्मल डेफिनेशंस है ना। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन एक वीडियो सेपरेटली बनाया हुआ है, कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो अगर नहीं देखा है तो वहाँ पे देखो। ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है मैंने कि जो अगर एसिड होगा तो उसका सोर इन नेचर होगा और लिटमस एक्शन में वो ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेगा किसमें, रेड में। तो देख लेते हैं सोर ऑप्शन में रेड लिटमस टू ब्लू, तो आपका ये ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों रॉन्ग होंगे, सोर लिटमस ब्लू टू रेड। ओके, तो सी ऑप्शन जो है राइट होगा, एंड ये बीटर तो होता नहीं है तो ये फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। ठीक है, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, सोर एंड चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड जस्ट बिकॉज इट इज एसिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन में कौन सा आयन प्रेजेंट होगा, तो अभी ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो व्हाट इट मींस कि अंदर दो आयन होंगे, एक तो जब भी हम उसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उसके अंदर H+ एंड OH- ये जनरेट होगा, एंड इसके बाद में HCl जो है वो H+ एंड Cl- में अलग हो जाएगा। तो जो आपका H+ आयन होता है एसिड का, ठीक है, वो अगर वो जो होगा आपका H+ आयन वो कंबाइन होगा किसके साथ में, वो कंबाइन होगा वाटर के साथ में। वाटर के साथ में कंबाइन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस H2O, और अगर वाटर के साथ में कंबाइन हो रहा है तो H+ एंड H2O क्या बना देगा, वो H3O। H3O तो कंफर्म हो गया, और HCl है तो फिर Cl आयन तो जनरेट होगा ही होगा, H+ एंड Cl- यहाँ पे होगा। तो H3O ये पूरा कंबाइन होके बन जाएगा H3O एंड Cl- अलग है, तो फिर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, है ना। OH आयन जनरेट नहीं होगा बिकॉज वो बेस नहीं है, तो ये रॉन्ग है। ClOH अगेन OH है, आयोनाइज्ड विथ HCl, तो आयोनाइज्ड हो रहा है तो HCl साथ में क्यों है, तो ये भी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है कि देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग क्लोरोअल्कली प्रोसेस। तो क्लोरोअल्कली प्रोसेस में कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, उन्होंने हमसे ये पूछा हुआ है। तो क्लोरोअल्कली में NaCl रिएक्ट करता है H2O के साथ में और वो फॉर्म करता है NaOH एंड Cl2 एंड H2O, ये सारे के सारे ऑप्शन में कॉमन हैं। तो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो उनके फॉर्म्स हैं, वो एक्वस होगा, वो लिक्विड होगा, गैस होगा, ये आपको पता करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं NaCl की। NaCl क्या होगा, वो लिक्विड नहीं होगा, वो एक्वस होगा, बिकॉज NaCl एक कंपाउंड है जो कि डिजोल्व हो रहा है H2O में, तो वो लिक्विड नहीं हो सकता, वो एक्वस होगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग निकल गया। ठीक है, सेकेंड है H2O, तो H2O कभी भी एक्वस नहीं होता, ठीक है, बिकॉज H2O एक प्योर लिक्विड है, तो प्योर लिक्विड है, वाटर है, तो फिर लिक्विड ही होगा। तो सेकेंड ऑप्शन में एक्वस दिया हुआ H2O के सामने, तो इसके लिए आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन में देख लेते हैं, 2NaCl एक्वस है, बिल्कुल सही है, H2O यहाँ पे लिक्विड दिया हुआ है, ये भी सही है, NaOH एक्वस दिया हुआ है, ये भी सही है, Cl2 एंड H2 ये दोनों एक्वस नहीं हो सकते बिकॉज क्लोरीन गैसियस फॉर्म में होगा एंड जो H2 है वो भी गैसियस फॉर्म में होगा। तो फिर इसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी है वो भी क्या हो जाता है, इनकरेक्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ओके, देख लेते हैं क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या सूटेबल चीज़ क्या है हमारे पास, सूटेबल चीज़ में यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो NaCl एक्वस भी दिया हुआ है,
अगेन आगे बताया हुआ है कि H2 लिक्विड भी होगा, इसके बाद में बोला हुआ है कि NaOH एक्वस है, Cl2 एंड H2 जो है वो गैसियस फॉर्म में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके जस्ट चेक इट आउट, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके नाउ अभी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि इस सारे के सारे जो अभी क्वेश्चन आपने सॉल्व देखे, इसके सारे क्वेश्चन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इवन जो इस वीडियो का पार्ट 1 और 2 दिया हुआ है ना, उसमें भी मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे क्वेश्चन ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर जाओ और जैसे ही वीडियो तुमने कंप्लीट किया है, तो अभी वीडियो कंप्लीट किया हो तो अभी आपको आंसर याद रहने वाला है, तो आपका एक क्विकली टेस्ट दे दो, ठीक है। आप नोटबुक में रखो और डिस्क्रिप्शन में से क्वेश्चन ऐड करो और राइट ऑप्शन जो है वो टिक करते जाओ, एंड फाइनली आपको आंसर तो आपको वीडियो में दिख ही जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आपका एक बार सेल्फ प्रैक्टिस भी हो जाएगा, बिकॉज सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ओके आपको याद करना है चीज़ों को। अगेन मैं एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपका, बिकॉज आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए। अभी पार्ट 4 भी इस वीडियो का आने वाला है, वहाँ पे हम सॉल्ट आंसर से डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होगा वो। एंड आपके अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं या फिर एसिड बेस से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में लिखिए उसको, मैं मुझे अगर टाइम मिलता है देन आई विल रिप्लाई दैट। ओके थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, स्टे ट्यून्ड।